Yes, now speak. That's all. Assertion is, note down, an object falls freely with acceleration. An object falls freely with an acceleration. An object falls freely with an acceleration 9.8 meter per second square. An object falls freely with an acceleration 9.8 meter per second square. This is assertion. Haan ji. And reason is, reason kya? रीजन इज इट इज ड्यू टू नहीं हम लिखेंगे, हम इसको अलग से वो स्टेटमेंट लिखेंगे. इसमें हम लिखेंगे ऐसे रिलेट कर सकते हैं, आपने डायरेक्ट रिलेशन नहीं देना. असर्शन एंड रीजन आर टू सेपरेट स्टेटमेंट. आप ऐसे लिखो, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन इनर्शिया ऑफ द बॉडी. रीजन इज acceleration depends upon inertia of the object. हाँ, अब ए करेक्ट है, पहले बताओ. करेक्ट है. बी करेक्ट है, मतलब आर करेक्ट है? नो, acceleration has nothing to do with inertia. Acceleration is related in Newton's second law of motion, inertia related to Newton's first law of motion, in simple words. And acceleration is, does it depend upon mass of the object? Yes, it depends upon mass when force is the same. When force between two objects is the same, but no such condition has been given here. Here only one object we are talking about. So in this case, we can't relate that acceleration of a freely falling object is dependent upon its inertia. According to Galileo Galilei's experiment of coin and feather, if you have heard, then he said that all the objects, they fall at the same rate, whether heavier, whether they are lighter. So he allowed a coin and a feather to fall down through the same height in vacuum, and both of them, they reach the bottom at the same time. If we drop them through the air, then the coin will reach first and the feather will reach late. That is because of resistance of the air. This is not of the fact that acceleration depends upon mass or inertia. Okay, so according to Galileo Galilei's experiment, acceleration with which the objects fall down is not dependent upon mass of falling object. All the objects fall at the same rate. अब अगर हम एक planet की बात कर रहे हैं, like Earth, Earth से जो भी object आप throw कर दो, आप एक चौक थ्रो कर दो, एक कैट ड्रॉप करो, एक डॉग ड्रॉप करो, एलिफेंट ड्रॉप करो, मतलब मास का आइडिया दे रही, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, जस्ट टू गिव एन आइडिया अबाउट द मास, तो वो सभी सेम एक्सेलरेशन से फॉल डाउन करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मास. इन वैक्यूम दे विल रीच द बॉटम एट द सेम टाइम. ठीक है, तो आप कहोगे रीजन इज फॉल्स. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स. बस बस. हाँ, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, तो रीजन करेक्ट होता, पर वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता, तो बी होता. फिर आपका आंसर होता बी. एट द सेकेंड स्टेटमेंट रीजन बी की मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया, देन इट वुड हैव बीन करेक्ट ऑप्शन. बट वो उसका रीजन नहीं होता, एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो बी ऑप्शन होती, क्योंकि बोथ आर करेक्ट. हाउ टू डू असर्शन रीजन क्वेश्चन, यू नोटिस दिस थिंग. पहले आपने चेक करना है फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट. ठीक है, देन यू विल चेक सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट. यू विल चेक फॉर द करेक्टनेस. इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, देन ईदर सी और डी ऑप्शन. इफ बोथ आर करेक्ट, देन ईदर ए और बी ऑप्शन. उसके बाद आप फर्दर चेक करोगे कि बी जो रीजन है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, कि उसके साथ कोई रिलेशन है कि नहीं है.
अगर बोथ आर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नथिंग टू डू विद ईच अदर देन वी विल से इट इज बी. इफ रीजन इज एक्सप्लेनिंग assertion, then the answer will be A. So this is how you will attempt these types of questions. Chalo, aap padho, aap bolo, Anshia. Acting on the book. गुड मॉर्निंग मैम. क्या क्रिटिसाइज द क्लासिफिकेशन गिवन बाय द गॉड मैम? लक्ष्य शर्मा कौन है आपकी क्लास में? हाँ तो वही है. चलो म्यूट कर दिया मैंने. हाँ क्या कह रहे हो? विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बुक इन द प्रेजेंट केस? ओके यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल फोर्सेज. हाँ वो ठीक है. बोलो सर्शन दोबारा से. असर्शन इज अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर. और रीजन है बोथ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बुक. बैड बुक. तो इसमें आपका आंसर क्या है? तो ए आएगा आपका आंसर. रीजन इज बोथ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बुक. रीजन इज बोथ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बुक. तो दोनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट्स. क्योंकि जो भी एक्शन बुक एक्सर्ट कर रही है टेबल पे सेम इट इज गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन ऑल्सो. सो दैट्स व्हाई इट इज यू कैन से एट रेस्ट. इट्स नॉट मूविंग. एंड एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्टिंग ऑन द बुक एंड टेबल बोथ यू कैन से. ठीक है चलो और कोई. मान्यवीर आप बोलो. So this is A again. हाँ चलो वो तो ठीक ही है. मोशन का लिखा है किसी ने? मोशन. बिकॉज आर नेक्स्ट टेस्ट इज आर टेस्ट रिविजन टेस्ट वन इज मोशन चैप्टर है ना. मैंने दोनों के कहा दोनों के कहा. मोशन का लिखा है किसी ने? चलो फिर लिखो. यस राइट डाउन असर्शन. Assertion is displacement of a body may be zero. Displacement of a body may be zero when distance traveled by it is not zero. Displacement of a body may be zero when distance traveled by it is not zero. Reason. Yes, Chaitanya, what do you want to say? Yes, you raise hand. मैंने क्वेश्चन पूछना था. बोलो. मैम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन आवर बॉडी रीचेस द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन. रिपीट. मैम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन आवर बॉडी रीचेस द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इन 4 seconds. In what time does the body cover 1/4 the distance starting from rest at the top? You put this question in physics group, okay? Statement is not so audible. Okay, ye complete kare. Reason likhiye. The displacement is the longest distance between initial and final positions. Reason. Assertion is correct. Reason is wrong. क्योंकि वो shortest होता है, longest नहीं होता. Displacement लिखा हुआ है. Displacement is the longest distance between initial and final position. पहले लिख लिया करो. आप लिख नहीं ना रहे हो, बाकी लिख रहे हैं.
तो assertion is correct, reason is wrong, option कौन सी आपकी true है? C. C आपका answer हो गया. Reason है displacement is longest distance between initial and final positions. Shortest word की place में यहाँ पे longest word है. That's it. Write the next one. Assertion. Position time graph of a stationary object. Position time graph of a stationary object is a straight line parallel to time axis. Is a straight line parallel to time axis. Reason. Position time graph of a stationary object is a straight line parallel to time axis. Why to repeat if we are not noting down? Parallel to time axis. Reason, for a stationary object, position does not change with time. For a stationary object, position does not change with time. यही से समझ लगता है, क्या नहीं पता लग रहा? रीजन क्या है? फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम. चलो आंसर बताओ. ये रही असर्शन. चलो बताओ इसका मीनिंग क्या है ग्राफ का. वो असर्शन है. टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही, एक ही जगह पे नहीं है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, पर वही यही असर्शन है कि फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है. ठीक है, अब रीजन तुम्हारे सामने. चलो अब आंसर बताओ क्या आएगा. रेज हैंड जिनको पता है. दोनों ट्रू हैं. फिर ए आएगा कि बी आएगा? ए है. बैटर. यस दिस इज ए. बोथ आर करेक्ट. एंड यस बिकॉज रीजन इज टेलिंग अस दैट पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. दैट्स व्हाई इट्स ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. तो ठीक है, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है. So answer is option A, both are correct and R is correct explanation. Assertion next. Velocity time graph for an object. Velocity time graph for an object in uniform motion. Velocity time graph for an object in uniform motion along a straight path. Along a straight path. Is a straight line in uniform motion along a straight path is a straight line parallel to the time axis. अब xt के बजाय vt ग्राफ है और वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है. ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. रीजन है In uniform motion of an object, in uniform motion of an object, velocity increases as the square of time spent. Velocity increases as the square of time spent. Assertion is true. ऐसे ही होता है. अगर ग्राफ ये है वी टी ग्राफ, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो ग्राफ इज ओके. अगर एक्स टी ग्राफ होता तो वेलोसिटी जीरो होती. अगर ये एक्स टी ग्राफ होता तो वेलोसिटी जीरो होती बिकॉज ऑब्जेक्ट वॉज स्टेशनरी. अब यहाँ पे क्योंकि वी टी ग्राफ है तो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट. तो assertion is true. रीजन क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी इज, दे आर सेइंग कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम.
क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी का? टेल मी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. व्हाट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? वी इक्वल टू यू प्लस एटी. तो ये कहता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, नॉट स्क्वायर ऑफ टाइम. ठीक है, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है हमारी तो वेलोसिटी तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है. सो दैट मींस रीजन इज रॉन्ग. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी पार्ट, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स. नेक्स्ट है स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल. असर्शन है ये, स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स द एवरेज स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल, मेजर्स द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल. रीजन assertion क्या है? स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर्स द एवरेज स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल. रीजन, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम टेकन. एवरेज डिस्प्लेस, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम टेकन. मतलब कि रीजन में सिर्फ फॉर्मूला बताया गया है एवरेज वेलोसिटी का जो करेक्ट है, सो रीजन इज करेक्ट. बट जो असर्शन है उसमें उन्होंने बोला है कि स्पीडोमीटर गिव्स एवरेज स्पीड, बट नो, इट गिव्स अस इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द अर्थ, इट डजंट गिव अस एवरेज स्पीड. एवरेज हमें खुद निकालनी पड़ती है. उस टाइम पे, उस मोमेंट पे वो ऑटोमोबाइल की स्पीड से जा रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती. तो ये हमारा असर्शन रॉन्ग है. असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, डी ऑप्शन. तो आपका आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट इज असर्शन, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कॉन्स्टेंट स्पीड. An object can have constant speed but variable velocity. But variable velocity. Reason. Speed is a scalar but velocity is a vector quantity. Speed is a scalar but velocity is a vector quantity. A option, yes. Both are correct. और A हमें तभी पता चला कि अगर speed uniform हो तो भी velocity variable हो सकती है because of change in direction, because velocity is a vector quantity. हमें reason से ही पता चल रहा है क्योंकि velocity vector है, so direction is also very important. Though the speed is uniform, magnitude is constant, but even then velocity may be variable because of change in direction. Example circular motion. Uniform circular motion, not simply circular motion, it will be uniform circular motion, for example. So answer is A. Both are correct statements and reason is the correct explanation of assertion. चलिए next लिखो. Okay, 12th. Assertion, position time graph of a body moving uniformly, position time graph of a body moving uniformly in a straight line parallel to position axis. ऐसे बनेगा graph. Position time graph of a body moving uniformly in a straight line parallel to position axis. अब time axis नहीं, उन्होंने position axis के parallel कहा है.
axis says, this graph says, the body is at rest. Okay, such a graph says the body is at rest. Reason, the slope of position time graph, the slope of position time graph in a uniform motion, the slope of position time graph in a uniform motion gives the velocity of an object. Gives the velocity of an object. तो रीजन तो करेक्ट है कि वो सिर्फ बता रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप है दैट गिव्स अस वेलोसिटी. दिस इज करेक्ट. रीजन इज करेक्ट. असर्शन करेक्ट है क्या? व्हाई नॉट? बिकॉज एट वन टाइम एन ऑब्जेक्ट कांट हैव डिफरेंट पोजीशंस. एक टाइम पे आप यहाँ क्लास में हो, स्कूल में हो, उसी टाइम पे आप घर में नहीं ना हो सकते. सो अ पार्टिकल एन ऑब्जेक्ट कांट हैव टू डिफरेंट पोजीशंस और मोर देन टू पोजीशंस एट वन टाइम. एक टाइम पे एक ही जगह हो गया. तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज एब्रप्ट. दिस टाइप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल फॉर सच एन ऑब्जेक्ट मूविंग यूनिफॉर्म, राइट? सो द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, फॉर दैट वी कांट हैव दिस टाइप ऑफ. दिस इज एन एब्रप्ट, यू कैन से एब्सर्ड स्टेटमेंट. So answer आएगा C part. Assertion is D part. D part. Assertion is false. Reason is true. Next लिखे assertion. A particle starting from rest. A particle starting from rest. And moving with uniform acceleration, moving with uniform acceleration. Last girl, can you tell me the meaning of uniform acceleration का मतलब क्या है? What do we mean by the word uniform? Constant what? Acceleration. Uniform means constant. So don't confuse this term. मतलब कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा. ठीक है, समझते हो ना ये बात? कहां लिखा है? मैंने बोला है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवल्स अ लेंथ ऑफ एक्स एंड 3x. Travels the length of x and 3x in first two and next two seconds. First two and next 2 seconds. बस ये assertion है. Reason. Displacement is directly proportional to velocity. Displacement is directly proportional to velocity. तुक्का नहीं मारना, ये न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ ऐसे नहीं कह सकते सी ए डी ए. आपको कैसे पता चला असर्शन करेक्ट है कि नहीं है? पहले सॉल्व करना पड़ेगा. सो लेट सॉल्व. चलो ट्राई करो, देखते हैं कौन कर सकता है. इक्वेशन का मोशन ही यूज करनी है. कौन कह रहा है सही है? दिखाओ कॉपी कहाँ की आपने सॉल्व. दिखाओ. ऐसे ही नहीं हमने कह देना, ऐसे नहीं कह देना, हमें वेरीफाई करना है. चलो अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकंड्स. एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकालेंगे. यू जीरो है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो पुट टी इक्वल टू 2 सेकंड. ये तो जीरो हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर 2a. ये आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकंड. जब हम एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करते हैं, उसमें जितना भी टाइम लेते हैं, इट गिव्स अस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम फर्स्ट सेकंड टू दैट सेकंड. अगर हमने टी टू पुट किया, इसका मतलब ये हमें फर्स्ट और सेकंड का डिस्टेंस दे. अब हमें चाहिए थर्ड एंड फोर्थ सेकंड का डिस्टेंस. सो दिमाग लगाइए कैसे कर सकते हैं हम.
वी कैन फाइंड एस फोर, पहले 4 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लें, उसमें से 2 सेकंड का डिस्टेंस अगर माइनस कर दें तो थर्ड फोर का आ जाएगा। ठीक है, चलिए करिए सॉल्व इसको। यहाँ पे भी अब ut प्लस rvt स्क्वायर ही लगाओगे, u जीरो हाफ ए टी स्क्वायर, और टू तो s2 तो हमने निकाल ही लिए। सो व्हाट डू वी गेट, 8a माइनस 2a 6a आ गया। पहले यहां तक देखो, इफ एनी स्टेप इज नॉट क्लियर, S2 निकाला, S4 निकाला, S4 में से S2 माइनस कर दिया, दिस विल गिव अस डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। ठीक है, नाउ दे आर कॉलिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड्स x, उसको x बोल रहे हैं। अगर x हमारा 2a है, डिस्टेंस इन 2 सेकंड्स, तो 3x कितना होगा, पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, इट विल बी 6a, तो वही आ रहा ना हमारा। Now it is proved that assertion is correct. आपने किया था इतना सॉल्व किया था इतना, जब आपने कहा था ट्रू है, दिखाओ कौन से दो में कैसे पता लग जाएगा आपको, हम भी देखें दो में कैसे कर सकते हैं, दिखाओ। तुक्का लगाया ना, तो फिर दो स्टेप भी ना करते फिर। What this? चलो अब रीजन तो रॉन्ग ही है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज ट्रू, सी ऑप्शन इज द आंसर, सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। Now I ask you one question. Can you give me one example? पहले बताओ yes की no. Is it possible that कौन बोला yes? An object, can an object have zero velocity but non-zero acceleration? He is saying no. She's saying yes. No. Yes. Example though, if yes, then where? एक मिनट, क्या फॉलिंग फ्रीली उसमें कहां पे वेलोसिटी जीरो होगी? हाँ हाँ, वो भी हो सकता है। वेरी क्लियर एग्जाम्पल इज व्हेन वी थ्रो अ चॉक अपवर्ड, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे रुकेगा फिर वापस आएगा, रुक गया तो वी जीरो हो गया, और वहां पे अभी भी अर्थ इसको पुल कर रही है अपनी तरफ, एक्सेलरेशन अभी भी है, सो एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो बट वेलोसिटी जीरो, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन लिखो। असर्शन, असर्शन अ बॉडी इज मोमेंटेरली एट रेस्ट, अ बॉडी इज मोमेंटेरली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस द डायरेक्शन, बॉडी इज मोमेंटेरली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस द डायरेक्शन। पहले आप बातें कर लेते हैं, अभी हंस रहे थे आप। मोमेंटेरली एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन, रीजन लिख लिया, व्हेन इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन रीजन, अ बॉडी कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन, a body cannot have acceleration if its velocity is zero at a given instant of time, if its velocity is zero at a given instant of time, to reason to aapko pata chal gaya ki correct hai ki nahi hai, reason to false ho gaya na, abhi maine aapko example diya tha, at the highest point of a body thrown vertically up, वहां पे वेलोसिटी जीरो होती है पर एक्सेलरेशन नहीं होती जीरो, इसका मतलब रीजन तो हमारा फॉल्स है। व्हाट अबाउट असर्शन, वो कहते हैं कि बॉडी इज मोमेंटेरली एट रेस्ट
when it reverses its direction. हम suppose कर लेते हैं simple pendulum oscillate कर रहा है. A body can't have acceleration if its velocity is zero at the given instant of time. अब suppose कर लो simple pendulum है, उसका pendulum bob यहाँ पे आके रुकेगा, फिर ही जाएगा ना उधर. डायरेक्शन रिवर्स करने से पहले रुकेगा. कार को ले जाने की क्या जरूरत, आप खुद जा रहे हो वहां तक, गए फिर आपको याद आया मेरी कॉपी रह गई, आप वापस मुड़ के आए तो रुकोगे तो आओगे, है ना? तो एक सेकंड के लिए रुकोगे आप.